हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये जो हम सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला ख़राब है। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे आपके पर्सन की जो है इस वक्त डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, मतलब दिल से आपके लिए क्या फील करते हैं, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जस्ट प्लीज हमें गाइड करें ये पर्सन की सब डीप फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो पहले इन चार कार्ड्स के थ्रू बता देती हूँ। पहला जो हमारे पास साइन है वो है एरीज है। ठीक है, उसके बाद है जमना, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन फील कर रहे हैं। देखो, जितने टाइम से भी आप दोनों का बात नहीं हुआ है, चाहे वो 2 दिन हो, 4 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, इनको ये दूरियां जो है, डिस्टेंस जो है, काफ़ी लॉन्ग लग रहा है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आपसे बात नहीं हुआ है। अगर इवन कुछ लोगों के पर्सन का 8-10 दिन से बात नहीं हुआ है तो उनको फील हो रहा है बहुत टाइम से बात नहीं हुआ है। ठीक है, फील लाइक ईयर्स। ठीक है, एक इंसान का एक वाइब होता है। ठीक है, आप कहीं पे प्रेजेंट रहो, आप कहीं पे रह जाओ, तो हर एक इंसान का वाइब होता है। आपने भी वो चीज़ काफ़ी बार जो है वो फील किया होगा। ठीक है, कुछ कुछ इंसान कहीं आ जाते हैं तो एक अलग लेवल का चार्म खिल जाता है, तो आपका उसी तरीके का चार्म है। और आपके जो पार्टनर है ना, वो क्रेव करते हैं, लाइक उनको क्रेविंग है। जैसे आपको कुछ खाने में क्रेविंग होता है ना, उस तरीके से उनको क्रेविंग है आपके जो बोलते हैं प्रेजेंस का। आप इतने ब्यूटीफुल सोल हो या फिर आप उनके नज़र में इतने अच्छे हो, तो वो आपके लिए क्रेविंग्स उनके दिल में है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बन रहे हैं। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा था कि जैसे ये बहुत ऑर्डर देते थे, क्योंकि ऑर्डर का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर देते थे वो, अपने हिसाब से चीज़ों को करना या फिर जैसा आप बोलो वैसा ना करना, या फिर बोलना कि लाइक मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, या फिर तुम्हारे बात सुनूंगा तो वो सही होगा गलत होगा, जजमेंट पास करना, इस तरीके की मुझे उनकी नेचर दिख रही है। बट अभी मुझे क्या दिख रहा है, जैसे वो अंडरस्टैंडिंग बन रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे बन रहे हैं, या फिर सिर्फ अपने हिसाब से काम करवाना। एक इंसान ऐसा जो जब खुद चाहे रिलेशन में आए, खुद चाहे वो चला जाए, ठीक है, तो अपने हिसाब से चीज़ों को करना वो करते थे, लेकिन अभी मुझे वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मोड पे आते हुए दिख रहे हैं। जैसे वो चीज़ों को बहुत समझने लगे हैं, चीज़ों को बहुत अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि ऑर्डर से रिलेशनशिप नहीं चलता, या फिर एक तरफा रिलेशनशिप ऐसा नहीं चलता, दोनों तरफ से एफर्ट डालने पड़ते हैं, दोनों तरफ से रिलेशनशिप को संभालना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ मैं यही करूँगा, सिर्फ मेरी बात मानो, इससे कोई भी रिश्ता नहीं चलता, ना ही इस तरीके से कोई भी रिश्ते का कुछ फ़ायदा होता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन है, गलती का एहसास मुझे दिख रहा है। ठीक है, और इसीलिए बेसिकली अब ये पर्सन अपने आप को सुधार रहे हैं। देखो, आपको लेट गो करना इनके लिए सबसे वर्स्ट और ख़राब सिचुएशन में बोल सकती हूँ। ठीक है, मतलब वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेट गो, भूलना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते ना वो आपको भूले, ना आप उनको भूलो, और ना वो आपको जाने दे, ना आप उनको जाने दो।
जिस दिन ये चीज होगा, ऊपर ऊपर से जो भी चीज हो रहा है डोंट वरी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि अंदर क्या हो रहा है। जिस दिन ये चीज होगा, जिस दिन वो पूरी तरीके से आपको लेट गो करेंगे, वो वर्स्ट सबसे बुरा दिन होगा, ठीक है, उनके लिए। इवन वो अभी किसी के भी साथ हो, बट उन उनके हिसाब से आप जो हो वो हमेशा से एक बेस्ट चॉइस थे उनके लिए। देखो कभी कभी क्या होता है, एक इंसान को पता होता है कि यू आर देयर फॉर यू, आप उनके लिए हो, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो कुछ भी बोले, आप उनके लिए हो। तो जब रिटर्न आने की बारी आती है या फिर चीज़ें सही करने की बारी आती है, तो थोड़ा सा वो ड्रामा करने लगते हैं, एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, ठीक है, आप तो यहीं पे हो, आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं, तो इसीलिए ये पर्सन ऐसा करते हैं। जब उनको पता चलेगा कि आप तो नहीं हो, आप तो भूल चुके हो, आप तो जा चुके हो, वो भागे भागे आएंगे। लेकिन क्योंकि अभी भी उनको यही लगता है आप हो, यू आर देयर, तो इसीलिए इतना ड्रामा है, इसीलिए इतना चीज़ों को सडनली सही नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। वो तो पता है कि चलो आएगा, मैं तो हूँ, इस तरीके से, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन प्रॉमिसेस के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। उन्होंने आपको क्या प्रॉमिस किया होगा? एक वक्त में उन्होंने आपको ये प्रॉमिस किया होगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाने वाला, या फिर कभी नहीं छोड़ के जाने वाली, बट हो गया ना, वो चीज़ हो गया। तो अभी ये पर्सन ऐसे बन गए हैं कि प्रॉमिसेस के ऊपर बिलीव नहीं है मेरे को, ठीक है। अब जो हो रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो होगा, वो बस यही चाहते हैं कि वो इन फ्यूचर आपके साथ रहे, चाहे वो उस चीज़ को प्रॉमिस करें, उस चीज़ को आपको बोले, या फिर उस चीज़ को आपको ना बोले, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट वो यही चाहते हैं कि चाहे वो आपके साथ रहें, ठीक है। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, बोलना नहीं है, बस रहना है, जब मन किया आके रहना है। क्यों बोल के आपको एक उम्मीद देनी है, और फिर जब आपकी उम्मीद पर खड़े नहीं उतरेंगे, उस वक्त आपको भी तकलीफ होगी, राइट, उनको भी बुरा लगेगा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये नहीं हो पाया, ठीक है। उनका जो सपना है वो उनके सपने को अपने हिसाब से पूरा करेंगे। ये पर्सन का बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा काइंडनेस आपके प्रति है। हाँ गुस्सा होते हैं, हाँ रूडनेस है, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनका जो एक होता है ना, दिल से किसी के लिए अच्छा सोचना, या फिर किसी के लिए काइंड होना, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं मुझे आपकी पर्सन के अंदर दिख रही है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप जो हो, जितना चाहे बिजी रहो, आप उनके लिए फ्री रहो, चाहे बात हो या फिर ना हो, आप दिन में एक बार उनको देखो। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो उनकी जो स्टेटस वगैरह डालते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, वो ऐसा कुछ उन्होंने ज़रूर किया होगा जिससे आप उनको देख पाओ। उन्होंने आपका हर रास्ता ब्लॉक नहीं किया होगा, अगर आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया है तो आपको कहीं और अनब्लॉक करके रखा होगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग बहुत परेशान होते हो कि मेरे पार्टनर ने मुझे यहाँ से ब्लॉक मार दिया, उन्होंने ज़रूर कोई रास्ता छोड़ा होगा जिससे आप उनको देख सको। तो वहाँ पे देखने की कोशिश करो, उनकी एक्टिविटी देखने की कोशिश करो, क्योंकि कल ही जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं, कल ही मुझे किसी ने बताया कि मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने उनको भी वही बोला कि कोई किसी को सिर्फ ऐसे ही ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है, उसका कुछ तो होगा, गुस्सा होगा, प्यार होगा, कुछ तो होगा ना, सिर्फ ऐसे ही फ्रेंड मानते हो और ब्लॉक कर देना, दिस इज नॉट डन। तो वो ब्लॉक के पीछे का भी रीजन समझने की कोशिश करो, ठीक है। हर बार जो जैसा दिखता है वैसा थोड़ी होता है, हमें चीजों को समझना भी पड़ना चाहिए ना, ठीक है। देखो आपको अगर फील हो रहा है कि आपको सब यूज कर रहे हैं, इवन इस पर्सन ने आपको यूज किया है, तो आपको ये बिल्कुल गलत लग रहा है। हाँ ये जो टाइम है वो सही नहीं है, ठीक है, प्यार जो है दो लोगों के बीच में होता है, सही से होता है, बट मैं बोलूँगी कि ये जो टाइम है आप दोनों का, ये सही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर हर इंसान यूज़ कर देता है, या फिर इस पर्सन ने आपको यूज़ किया। थोड़ा सा ड्रामा करते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड शो ऑफ करते हैं, ये मैं मानती हूँ, बट समहाउ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए जहाँ जहाँ स्टैंड लेना पड़े,
या फिर आपके लिए जहाँ जहाँ स्टैंड लेना पड़े ये उस चीज़ के लिए भी रेडी है। वो मना नहीं कर रहे कि मैं स्टैंड नहीं लूंगा या फिर स्टैंड नहीं लूंगी, आई एम रेडी, उनका ये एटीट्यूड है, आई एम रेडी, ठीक है जहाँ भी ज़रूरत पड़े मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊंगा या फिर खड़ी हो जाऊंगी, बट मैं तुम्हें सताऊँ, लोगों तुम्हें सताऊंगी ठीक है, या फिर सताऊंगा लोगों के सामने तुम्हारा सपोर्ट लूंगा लेकिन अकेले में तुम्हें सताऊंगा, ठीक है। देखो और एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है कि जिंदगी में एक ही बार प्यार होता है, वन लव वन लाइफ, ये वाली चीज़ आपने सुनी होगी। तो बेसिकली इस पर्सन का भी वही है, वन लव वन लाइफ, ठीक है, एक बार प्यार किया एक बार जिंदगी है, चाहे कोई भी सिचुएशन हमारा हो प्यार कोई नहीं ले सकता है, प्यार मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए है और रहेगा, ये वाली थिंकिंग जो उनकी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप काफ़ी कुछ चीज़ों में अगर आपकी खुद की गलती मानते हो कि मैंने थोड़ा ज़्यादा प्यार कर लिया, मैं थोड़ी ओवर पोजेसिव हो गई, ठीक है आपका, मुझे पता है कुछ लोग खुद खुद को बहुत दोष देते हो कि मैं ओवर पोजेसिव हो गई और मैंने ओवर लव कर दिया या फिर जो भी मैंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया, ये सब चीज़ें जो लोग सोचते हो ना, मैं उन लोगों को बता देती हूँ, प्यार जो है वो दिल से होता है, आपने दिल से प्यार किया ना तो कौन से बात का आपको फिर डर है, कौन से बात का आपको फिर ये है कि मुझसे ज़्यादा चीज़ हो गई और गलती मेरी है, आपने बिल्कुल सही किया है। अगर सामने वाला आपको नहीं समझ पाया, आपके ओवर लव को, आपके ओवर प्रोटेक्शन को नहीं समझ पाया तो वो उसकी लॉस है, तो कहीं पे भी खुद की गलती आपका नहीं है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स मैं निकालती हूँ, ओके नाइन ऑफ वॉन्ड्स है एंड जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा भी यहाँ पे है, ठीक है। चलो यहाँ पे और एक चीज मुझे दिख रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बोथ का कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि कभी कभार आप दोनों एक जैसा बिहेव करने लगते हो, वो एटीट्यूड में आप एटीट्यूड में, ये कभी कभार होता है बट वो बहुत माइनर टाइम के लिए होता है, फिर कुछ टाइम जाने के बाद चीज़ें जो है वो ट्रैक पे आना स्टार्ट हो जाता है, बट होता है। आप कभी कभी सोचते हो अगर वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है तो मैं क्यों ना दिखाऊँ, अगर वो ब्रेकअप कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, ये एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो इस चीज़ से होता है, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। देखो आपका मुझे ये दिख रहा है कि आप ऐसे हो कि चाहे आपकी बात हो या फिर चाहे आपकी बात ना हो, आपका केयर कभी नहीं खत्म होता इस इंसान के लिए, यू आर लाइक ऑलवेज, आपका ऐसा है कि तुम मेरा साथ रहो ना रहो, केयर तुम्हारे लिए है हमेशा और रहेगा, ये अच्छी बात है, लेकिन उस केयर को आप इतना भी ना पकड़ो कि आप अपने लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, तो पहले अपने आप के बारे में सोचो, अपने केयर के बारे में सोचो, फिर रिलेशनशिप का, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ या तो मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसे कुछ या तो मैं बोल सकती हूँ कि झगड़ा या फिर आर्गुमेंट हो सकता है, जिस चीज़ की वजह से आपके पर्सन ने खुद को बड़ा डिफेंस करने की कोशिश किया है, ठीक है, कि देखो इस चीज़ में मैं सही हूँ तुम गलत हो, क्योंकि देखो कभी कभी इंसान गलत भी होता है ना तब भी अपने आप को डिफेंस करने लगता है क्योंकि उसको झुकना नहीं है, तो कोई भी चीज़ में अगर उन्होंने खुद को डिफेंस करके खुद को बचा के आपको बुरा बोला है या फिर आपको हर्ट किया है, डोंट वरी, उनको भी पता है क्या उनसे क्या गलती हुआ है, ठीक है। अभी मुझे मोस्टली यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का इशू थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोगों का यहाँ पे थर्ड पार्टी का इशू है, लेकिन आपके पार्टनर खुद भी कोई चीज़ को लेके हर्ट है, ठीक है, वो खुद भी थोड़े से हर्ट है जो चल रहा है, ठीक है। अगर
उनको पता चला है कि कोई और आप पे लाइन मार रहा है, कोई और आपको पसंद कर रहा है, उस चीज़ से भी वो थोड़े से अपसेट है। ठीक है, देखो आपकी पर्सन अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डन हो चुके हैं, मतलब ये कि बस डन, अब मुझे कुछ नहीं है इस रिश्ते में, ऐसा नहीं है। वो चुप है क्योंकि उनके मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, वो अपनी चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, जो उनकी फीलिंग्स है, जो वो बोलना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको भी नहीं पता कि कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे बोलना है, तो इसीलिए वो चुप है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली वो कहीं ना कहीं आपसे कहीं से तो आके बात करेंगे। और एक चीज़ है, कुछ ऐसी मोमेंट्स है जो बहुत ज़्यादा प्राइसलेस है उनके लिए। कुछ मोमेंट्स आपके साथ ऐसे ऐसे शेयर किए होंगे, बिताए होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस है। ठीक है, अगर उनको कभी पता चला कि आप उनके बिना लाइफ में बहुत खुश हो, ठीक है, लाइक जैसे होता है ना कि आप बोलते हो कि तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, अब चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, मुझे शांति से रहने दो, कभी कभी गुस्से में भी ये चीज़ निकलता है, मतलब मीन नहीं करते हो आप, पर गुस्से में काफ़ी बार ये चीज़ निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन को कभी ऐसा फील हुआ तो ये आपको कभी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे उनका मोटिव यही दिख रहा है कि मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर मैं कहीं भी फील करूं कि तुम मेरे बिना खुश हो, अपनी लाइफ जी रहे हो, तो मैं कभी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आऊंगा या फिर नहीं आऊंगी। ठीक है, लेकिन तब तक अगर कहीं भी उनको फील होगा कि स्टिल उनका इम्पोर्टेंस है, वो ऐसे ही आपकी लाइफ में आते रहेंगे। थर्ड पार्टी का थोड़ा देख लेते हैं, थर्ड पार्टी का इशू यहाँ पे है, तो व्हाट अबाउट थर्ड पार्टी, ये जस्ट प्लीज हमें गाइड करें, व्हाट अबाउट थर्ड पार्टी। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है थर्ड पार्टी के साथ, द फूल एनर्जी है। ओके, क्या हुआ है? फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, सैडनेस का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो दिख रही है कि हो सकता है कि वो और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ इश्यू हुए हैं, सैडनेस हुआ है, कुछ दुख तकलीफ हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ परेशानियाँ यहाँ पे मुझे दिख रही है अगर थर्ड पार्टी है तो। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट जो है आपके पर्सन शायद करना चाह रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को छोड़ के अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। एक चीज़ मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें, जो देख रहे हैं हमें, उनको क्या करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। किंग ऑफ वॉन्ड है, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बहुत इमोशनल होते हो आप, बहुत दिल से चीज़ों को सोचते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, तो आपके लिए मोस्टली कार्ड है कि जितना हो सके प्रैक्टिकल बनो, क्योंकि जितना दिल से सोचोगे उतना ही परेशान हो जाओगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचोगे तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर होगी। आपको प्रैक्टिकली क्या फील होता है, क्या आपको लगता है कि इस इंसान के साथ आप रह सकते हो, आप वेट करना जायज़ होगा, तो ज़रूर करो, नहीं लगता है तो मत करो, यू नो, बी प्रैक्टिकल, ऑलवेज बी प्रैक्टिकल। तो आपके लिए आज की गाइडेंस तो यही आ रही है कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है एक्सपेक्टेशन, इस पर्सन का बहुत हायर एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो जो उम्मीद है, वो जो इच्छा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनका कॉल मैसेज आ जाए, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, तो इनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है, उम्मीद बहुत हाई है उनका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोर्टशिप। देखो, आपके साथ बैठ के ये थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ तो चीज़ें हैं, कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है। चाहे कितनी भी बार हो जाए, डिस्कशन आपके साथ ख़त्म नहीं होगी। कोई बात का आपको लगेगा कि अंत हो गया या फिर डिस्कशन हो गया, डन हो गया, लेकिन ये फिर भी आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, फिर भी आपके साथ कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जिसको सॉल्व करना चाहते हैं, रिजोल्यूशन निकालना चाहते हैं, मुझे यही दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मैरिज में, पीछे कार्ड निकाल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मन का निकाल रही हूँ, सच में ये कार्ड निकल के आ रही है। ठीक है, और आप लोग एनर्जी एक्सचेंज भी कर दो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके। और एक चीज़ है,
आगे से मैं अगर कार्ड निकालूंगी इस तरीके से, आपको भी एक बड़ा इरिटेट होगा देखने के लिए, ठीक है? तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो मैरिज का कार्ड है, तो जिन लोगों भी मैरिज से रिलेटेड इशू है आपके रिलेशनशिप में, कोई भी इशू है, फैमिली इशू हो, लव मैरिज का इशू हो, वो सॉल्व हो जाएगा या फिर वो सॉल्व की ओर बढ़ेगा विदिन 3 डेज। 3 डेज के अंदर मैरिज से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है? तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइज।